यहाँ पर लगाई गई है थर्मोकोल से काट करके। हेलो एवरीवन, मैं हूं महावीर जैन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल व्लॉग सेंटर। दोस्तों, राइट नाउ आई एम इन माय होम इन माय रूम और आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो, एक नया व्लॉग आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी लास्ट वीडियोज में मैंने सेक्टर 2 गणेश पंडाल के आप लोगों को दर्शन करवाए थे, प्लस सेक्टर 1 का भी हम लोगों ने गणेश पंडाल का पूरा जो है वीडियो बनाया था। वहाँ पर भी जो गणेश जी की प्रतिमा है वहाँ की भव्य प्रतिमा के आप लोगों को दर्शन कराए थे। सेक्टर 10 के भी पंडाल के आप लोगों को दर्शन कराए थे। तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए गणेश पंडाल का वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं और अभी मैं जाने वाला हूं अवंतीबाई चौक कोका, क्योंकि आज जो मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूं उस गणेश पंडाल का नाम है कोका का राजा। तो कोका के राजा के दर्शन आप लोगों को करवाता हूं, गणेश जी के दर्शन आप लोगों को करवाता हूं। चलते हैं हम लोग कोका, और ज़्यादा बड़ा पंडाल नहीं है लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सुंदरता काफ़ी अच्छी है उस पंडाल की। तो आप लोग जरूर इस पंडाल में आकर के गणेश जी के इस साल 2021 में दर्शन करें दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं गणेश जी के दर्शन के लिए, कोका के राजा के दर्शन के लिए। वीडियो में आप लोग दोस्तों बने रहें अंत तक। मैं हूँ आपका दोस्त महावीर जैन और चैनल का नाम है व्लॉग सेंटर। देखिए दोस्तों, मैं अब आ चुका हूं कोका के राजा के द्वार पर और यहां पर देखिए एक विज्ञापन भी लगा हुआ है, महावीर डेवलपर्स कुरुद रोड कोका। और इसी द्वार से अभी हम लोग को आगे बढ़ना है और मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर यहां पे आगे है कोका के राजा का पंडाल। और आज यहां पर रोड ब्लॉक कर दी गई है क्योंकि यहाँ पर शायद ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम आज रखा गया है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को आगे लिए चलता हूँ और दर्शन करवाता हूँ कोका के राजा के, गणेश भगवान के। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इस द्वार से अंदर। तो अवंतीबाई चौक पे आप जैसे ही आएंगे कोका में, आप लोगों को ये द्वार दिख जाएगा जो जिसमें बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ है कोका का राजा। और देखिए दोनों तरफ में यहाँ पर काफी अच्छी लाइटिंग की गई है और ये रोड पूरी ब्लॉक कर दी गई है। तो गाड़ी मैं यहीं पार्क करता हूँ। तो यहाँ पर अभी देखिए ग्रीन मैट बिछाई जा रही है आज के प्रोग्राम के लिए। तो आज यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम रखा गया हुआ है भक्ति गीतों का, इस कारण से ये रोड ब्लॉक कर दी गई है। और ट्रक से पूरी एलईडी लाइट दी गई है यहाँ पर, देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, साउंड भी लग चुका है। तो गरिमा दिवाकर और स्वर्णा दिवाकर का यहाँ पर आज प्रोग्राम रखा गया है। ये देखिए हैवी साउंड यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले तो पंडाल के दर्शन करवाता हूँ और पंडाल में विराजे गणेश जी के दर्शन करवाता हूँ कोका के राजा के। तो साइड से पंडाल या दर्शन हुए। तो देखिए काफ़ी सुंदर यहाँ पर पंडाल बना हुआ है और इसे छोटा भी नहीं कहा जा सकता। देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर ट्रेडिशनल वर्क किया गया है। ऊपर भोले बाबा की एक प्रतिमा भी यहाँ पर लगाई गई है थर्मोकोल से काट करके। तो स्टेज के जो है बैक साइड में ही गणेश पंडाल यहाँ पे बनाया गया है और देखिए यहाँ से पूरी रोड ब्लॉक कर दी गई है आगे कोका जाने के लिए। इस रोड को कहा जाता है सिरसा रोड कोका। आ, 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 आ,
बोल भाई बोल, मेरा भी YouTube में चैनल है ट्रैक्स के नाम से। कर देना ये आ जाएगा। देखिए काफ़ी सुंदर और ट्रेडिशनल यहाँ पर पंडाल बना हुआ है गणेश जी का, खोखा के राजा का। और अभी अब मैं आगे चल करके आप लोगों को दर्शन करवाता हूँ गणेश भगवान के। देखिए काफी अच्छे यहाँ पर पूरी बेल्स टंगी हुई है, घंटियां लगी हुई हैं जो कि काफी डेकोरेटिव बनाती है इस पंडाल को। श्री राधे, सभी भक्तजनों का खोखा के राजा गणपति प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है। सभी को आज ज्ञात है कि आज बड़े ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन समिति के द्वारा किया गया है। तगड़ा पी रहा है यार, पीड़ी पी रहा Thank you।
I'm gonna go.